दोस्तों, बिजली कनेक्शन लेने के लिए आपको गूगल क्रोम पे जाना है और लिखना है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन चंडीगढ़। इसको सर्च कर लेना है। सबसे पहले जो ऊपर दिख रहा है अप्लाई सर्विसेज, इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह पेज खुल जाएगा। इसमें आपको नीचे की तरफ आना है और जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे आपको इस तरह बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें अप्लाई सर्विसेज में देखिए न्यू कनेक्शन एप्लीकेशन है सबसे नंबर वन पे, इस पर आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देख लिए, अप्लाई के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अप्लाई के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह पेज खुल जाएगा। इसमें आपको जो तीन लाइन दिख रही है ऊपर की तरफ, उन तीन लाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इन तीन लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके ऊपर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन खुल जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है और फिर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेना है। और जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें आपको दोबारा जो ऊपर की तरफ तीन लाइनें दिख रही हैं, इन लाइन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सिलेक्ट करना है तीसरे, इसके ऊपर आपको सर्च करना है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। इसमें आपको तीसरे नंबर के ऊपर दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लो लोड, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह आपको ये दिखाई देगा, लो टेंशन तीसरे नंबर वाला आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा। इसमें आपको डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको प्रिंट आउट ले लेना है। और प्रिंट आउट लेके इसको फिल करके आपको अपलोड करना होगा, यानी कि पीडीएफ में इनको कन्वर्ट कर लेना। मैं आपको डाउनलोड करके दिखाया था किस तरीके का फॉर्म मिलता है। आपको इस तरीके का दोस्तों फॉर्म मिलता है और इसको आपको फिल कर लेना है और फिर इसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना होगा। बाकी अब आपको इस पेज को बंद कर देना है और फिर आपको प्रोसीड टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा। आपको इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेना है। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगा किस तरह आपको इस फॉर्म को भरना होगा। तो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के बाद आपको ये जितने भी मीटर इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही हैं इन सबको नोनो कर देना है और इसके नीचे भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उनको भी आपको नोनो कर देना है। जैसे अदर इन्फॉर्मेशन में ये भी आपको नोनो कर देना है और फिर आपको नीचे की तरफ आके आई एग्री के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा। इसमें आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अपनी दी है वो सब आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है और नीचे की तरफ आने के बाद आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे हमने अपलोड कर दिए हैं उनको अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ऊपर इस तरह सारी डिटेल आ जाएगी कि जो भी आपने डिटेल भरी हुई है, आपका एड्रेस, करंट एड्रेस, एवरीथिंग, जितने भी डिटेल हैं सारी चीज़ें आपके सामने इस तरह खुलकर आ जाएंगी और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनकी भी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको 25 रुपीज़ का पेमेंट करना है। ये पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI पेमेंट जिस तरह भी आप करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने पेमेंट के लिए प्रोसीड करना शुरू कर दिया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। इसमें लिखा होगा किसको पेमेंट जा रही है, कौन पेमेंट कर रहा है, टोटल डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी। इसके बाद आपको कंफर्म के ऊपर अपनी डिटेल कंफर्म करके चेक करके कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी बैंक का उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा है, मास्टर कार्ड है, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो कोड है इस कोड को जो कि आपको दिखाई देगा कैप्चे जिसको बोल देते हैं उसको आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आके आपको आई एक्नोलेजमेंट इसको क्लिक करके पे के ऊपर क्लिक कर देना है। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपने कार्ड की डिटेल भर देनी है और उसके बाद दोस्तों प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। प्रोसीड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पेमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और आपको OTP दे देना है पेमेंट के लिए। और यहाँ आपका पेमेंट हो चुका है और इस तरह आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन का फॉर्म पूरी तरह भर चुका है। ये आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है और अब आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन घर बैठे लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने की। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ।